एनिमल का टीजर तो रिलीज किया जा चुका है जिसे फैंस ने भी काफी पसंद किया और अब ऑडियंस को फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है। एनिमल के टीजर के एंड में बॉबी देओल की शर्टलेस झलक भी देखने को मिली। ऐसे में एक्टर की बॉडी ने सभी को अपना दीवाना बना लिया। वहीं अब बॉबी देओल के पापा और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने भी इस पर रिएक्ट किया है। धर्मेंद्र ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एनिमल टीजर की एक क्लिप शेयर की है। इसमें उनके बेटे बॉबी देओल का एनिमल से लुक दिखाई दे रहा है जिसमें वो हरे रंग का नेकलेस पहने शर्टलेस अवतार में कैमरा के सामने दरवाजा खोलते नजर आ रहे हैं। अपने हाथ में चाकू और खतरनाक नजर के साथ कैमरे में किसी की एंट्री की तरफ इशारा करते हैं। एनिमल के टीजर में से बॉबी का पार्ट काट कर जब धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर शेयर किया तो मानो तहलका मच गया। सवाल ये उठता है कि धर्मेंद्र ने आखिर अपने बेटे के बारे में ऐसा क्या बोल दिया कि कमेंट्स की बाढ़ आ गई। तो चलिए आपको सब कुछ इस वीडियो में बताती हूँ। धर्मेंद्र द्वारा शेयर किए गए वीडियो में बॉबी देओल शर्टलेस अवतार में नजर आ रहे हैं। उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, एनिमल में मेरा मासूम बेटा। और इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने वीडियो शेयर करते हुए एनिमल का प्रमोशन भी किया। उन्होंने लिखा, सुनो तुम सब लोग 1 दिसंबर को थिएटर में आ जाना वरना। आपको बता दें, सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं दर्शक भी एनिमल में बॉबी देओल का शर्टलेस अवतार देखकर वाकई पागल हो गए हैं। उन्हें बॉबी का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बेहद पसंद आ रहा है। जैसे ही सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र पाजी ने ये पोस्ट शेयर किया तो फैंस हंसने पर मजबूर हो गए। एक ने लिखा, इतना भी मासूम नहीं है पाजी। तो दूसरे यूजर ने लिखा, अब वो शरीफ नहीं रहा, वो अब बाबा बन गया है और आश्रम में रहता है। तो एक और यूजर ने लिखा, ये इनोसेंट कहां से लग रहा है धर्मपाजी। तो एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, हम आपकी इनोसेंस भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देख चुके हैं। तो एक और यूजर ने मजेदार कमेंट किया, यूजर ने लिखा, इतना भी इनोसेंट नहीं है पाजी। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, बॉबी की फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म में बॉबी के अलावा रणबीर कपूर, अनिल कपूर और रश्मिका मंदाना लीड रोल में है और इसका निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। वेल, ये पोस्ट देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट।